हेलो, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। काफ़ी दिनों बाद सब सोच रहे थे कहाँ हैं। बहुत चीज़ें हो रही थी लाइफ में। ये जो घर है जो आपको हमेशा दिखता रहा है मेरे व्लॉग्स में, ये घर हमने सेल ऑफ कर दिया है और नया फ्लैट ले लिया है। तो वही सब में लगे हुए थे। बहुत काम होते हैं कोर्ट के भी और इसके भी, तो वही सब में लगे हुए थे। और आज काफ़ी हद तक की मूविंग हो जाएगी। अंदर मूविंग चल रही है, दिखाता हूँ। सब खाली हो रहा है, बस ये सोफा यहीं पे रहेगा। डाइनिंग जा चुका है, नया डाइनिंग लगेगा। किचन जा रही है। मेरा रूम भी तहस नहस हो चुका है, बस ये एक गिटार जाना बाकी है। छोट मोट सामान ये एक दो, ये पैक वे रखे हैं, लेके जाना है। ये पड़ा है, ये लेके जाना है। बस बाकी सब कुछ यहाँ से भी जा चुका है। उधर मेरा रूम एकदम रेडी है। ये छोटी तो देख लो आखिरी बार इस घर को हमारे व्लॉग में। इम्पोर्टेंट। बाकी ये सोफा यहीं पे रहेगा, वो जो अटैच है वो यहीं पे रहेगा। थोड़ा बहुत ये सब यहीं पे रहेगा, जो फिक्स है वो यहीं पे रहेगा। बाकी आज इंटरनेट कनेक्शन लगाना है, बहुत काम है बहुत। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि क्यों अपना घर सेल करके फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हो, कोई सेंस नहीं है। सेंस है, हम सोसाइटी में शिफ्ट हो रहे हैं और एक ही सेंस है, दैट इज़ सिक्योरिटी पर्पस। क्योंकि बहुत सिक्योर होता है एक सोसाइटी में रहना, तो हमने भी वही डिसीजन लिया, घर सेल ऑफ किया। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मम्मी अकेली रह जाती है ऑब्वियसली, तो मुझे थोड़ी चिंता रहती है। वो अब नहीं रहेगी क्योंकि सोसाइटी थोड़ी सेफ है। बाकी प्रॉब्लम्स भी हैं। बाइक की एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि बाइक कहाँ खड़ी करूँगा, पर थैंकफुली उसकी एक अच्छी जगह मिल गई है और जो मतलब सोसाइटी वालों ने अलाउ कर दिया वहाँ खड़ी करना। तो आज बाइक भी लेके जाऊँगा तो वो दिखा दूँगा। ओह, मेरे स्टॉक एग्जॉस्ट, ये भी तो लेके जाने हैं। मेरी फ़ोटो ये भी जानी है। अलमारी मेरी जा चुकी है, ये मैं छोड़ के जाऊँगा क्योंकि ये टूटा हुआ है। वो वाला अच्छा है, वो वाला लेके जाऊँगा। ये सब लेके जाना है और ये भी लेके जाऊँगा। जिसको पता है ये क्या है समझ जाओ, पैरों में पहनने की चीज़ है ये। और इसको मैं ज़रूर लेके जाऊँगा क्योंकि ये है सबक, ये याद रहेगा, ये सिखाएगा कि ज़िंदगी में कौन सी गलती दोबारा नहीं करनी है। बाय बाय टू दिस ब्यूटिफुल हाउस। सबसे मुश्किल चीज़ ले जानी हमारे घर में ये फ्रिज ही है, अब जो बची है। बाकी तो सब जा चुका है पर ये सबसे डिफिकल्ट है अभी। यार ये कम नहीं लगाया आपने, नीचे भी नहीं लगाया। अच्छा, बस ध्यान से लेके जाना यार। ये देना एक पीस, ये दे दो, बस जो हाथ में वो दे दो। ये खाना पीना है आजकल। इधर मूवर पैकर्स ने लोड कर लिया, इधर मैंने अपना कमरा लोड कर लिया। चलते हैं अब फ्लैट पे। चलो, हालत हो गई है खराब। गर्मी इतनी है एक तो, और काम तो उससे भी ज्यादा है। अब मैं जाता हूँ नए वाले घर में, ये वाला जो सामान अब उठवाया है वो लगाने के लिए। फिर भी हमने एक चीज बहुत अच्छी करी कि हमने ये जो फ्लैट अभी नया लिया है वो हमने 10 से 15 दिन पहले ही ले लिया था, पर हमने एकदम से जल्दी नहीं करी वहाँ शिफ्ट करने की। जो छोटा मोटा काम वहाँ पे कराना था कारपेंटर का, मेरा बेड बनना था, मम्मी का बेड बनना था, तो वो सब बन रहा था। और जब तक वो बन रहा था, हम जब भी जाते थे कुछ सेलेक्ट करने, कपड़ा सेलेक्ट करने या कोई भी कलर सेलेक्ट करने, तो हम ऐसे जैसे गाड़ी में अभी लोडेड सामान पड़ा है ऐसे सामान डाल के ले जा लेते थे। तो हमने धीरे 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 पूरा घर वहाँ पे शिफ्ट कर ही दिया, ऑलमोस्ट सब कुछ शिफ्ट हो गया था। अब बचा था बस किचन का काम थोड़ा सा और मॉम का रूम। तो किचन वाला भी आज सब ये
पुअर पैकर्स ले गए, बचा है सिर्फ मम्मी के कपड़े जो इतने हैं कि शायद दो चक्कर लग जाए, बस वो कर लेंगे फिर नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही नए घर में शिफ्ट होंगे आप लोगों को दिखा दूंगा नए घर का टूर। मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं नए वाले नए फ्लैट का टूर देने के लिए, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत पसंद आया मेरे को। बालकनी वालकनी मस्त, चार बालकनी खुली, तो दिखाऊंगा आपको। जा रहा है अपना सामान और पीछे पीछे जा रहा हूँ मैं। चलो जी लगाना शुरू करें सामान। लिफ्ट बहुत बढ़िया, लिफ्ट की दिक्कत नहीं है, बहुत ही है। वहाँ गया काम वाम कराया, हालत ख़राब हो गई थी, सर में दर्द होने लगा था, कुछ नहीं खाया, सोचा घर आके खाऊंगा, बाद में भूल गया कि किचन तो गायब हो चुकी है, ऐसे कुछ है ही नहीं। और भाई ने आपके काब्स वाब्स कम करे मैं तो अब कुछ पनीर वनीर मंगा के खा लेता हूँ, वेज डे है चिकन तो खा नहीं सकता। इतनी तेज़ भूख लग रही थी, वेट ही नहीं हो रहा था कि कुछ जाऊँ, तो फटाफट सुपर स्टोर से जाके एक टोफू वोफू ले आया अपने लिए कि खा लूँगा, और छाछ ले आया बेस्ट। और फिर भी भूख नहीं मिटी तो डाइट कोक से तो भूख मर ही जाती है, तो वैसे तो पीनी नहीं चाहिए पर फिर भी। और सोया पनीर भी मैं ज़्यादा नहीं खाता, अवॉइड करता हूँ, पर चलो चलता है कभी कभी। इतना थक गया था, खा के थोड़ा सा सो गया, पावर नैप ली, अब फटाफट से जाता हूँ जिम, और ज़्यादा टाइम है नहीं तो वर्कआउट करते हैं और वापस आते हैं फटाफट से, कल भी जिम नहीं गया था। और उसके बाद डैड को लेके जाना है, बाइक भी उधर लेके जानी है। अरे भाई बस बगीरा शकीरा को भी उधर लेके जाना, देखते हैं आज क्या क्या निपटा पाते हैं। फटाफट से वर्कआउट कर लिया, और जहाँ पे मैं आजकल वर्कआउट कर रहा हूँ वहीं पे स्विमिंग के लिए भी आता हूँ। सुबह आया था स्विमिंग के लिए और अपना शॉर्ट्स नहीं भूल गया, वो भी ले लिया, तो ये दोनों काम निपटे अब घर चलते हैं। ओके अब देखते हैं क्या लेके जाना है। मेरे नए तकिए चद्दर वगैरह भी आ चुकी है, ये गद्दे लेके जाने हैं, ये चोती जी को भी लेके जाना है। हेलो चोती, तेरी रेड आई क्यों आ रही है? हाँ तू भी जाएगा? ये भाई साहब भी जाएंगे, काम है कि ख़त्म होने आ नहीं रहा। टाइम हो गया 8 बज गए और मुझे लगता है अभी आज 10:30 बज जाएंगे इधर से उधर करते हुए, फिर भी सामान रह जाएगा अभी, तो कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। और कुछ भी हो मैंने देखा है जानवरों को सब पता लग जाता है कि कुछ तो चल रहा है, जैसे जैसे घर खाली होता जा रहा है, ये तो यहीं रहेगा जैसे मैंने बताया, घर खाली होता जा रहा है, ये बेचैन से लग रहा है मेरे को। पर अभी डैड को लेने आऊँगा तो इन दोनों को भी ले जाऊँगा अपने साथ, तो इनको भी शायद समझ आ जाए कि क्या हो क्या रहा है यहाँ। फिर से गाड़ी लोड हो गई, फिर से चक्कर मारने जा रहा हूँ, सुबह से यही कर रहा हूँ। और देखो पता क्या सीन क्या है कि 1-2 महीने के लिए मैं गायब हो गया था, तो कईयों को लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है तो ये गायब हो गया, पर ऐसा अपना सीन थोड़ा उल्टा है। कहता ना शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो फिर बहुत आगे जाता है, तो झपट्टा मारता है, अपना घुरने का टाइम आ गया है। बहुत सारी चीज़ें मैजड अप हो रखी थी, पर अब इतने सरप्राइजेस लाइंड अप है ना आप लोगों के लिए कि आप सोचते रह जाओगे कि ये क्या क्या होता चला जा रहा है, ये कैसे कैसे होता चला जा रहा है, मज़ा आने वाला है, साथ बने रहो। बाकी शायद लास्ट चक्कर है आज ये, इसके बाद बस डैड को लेने जाऊँगा, फिर हाँ बाइक लेने जाऊँगा, बस फिर होगी। और सबको आपको पता ही है कि मैंने अपनी गाड़ी तो बेच दी थी i20, क्योंकि अब कुछ नया लेंगे, i20 से कुछ अपग्रेड करेंगे और उस पर भी अब काम करना शुरू करना है घर शिफ्टिंग होने के बाद। एक ये बेचारी सी गाड़ी हमारे पास बची थी जो हमारे सारे काम कर रहे थे, बची तो मतलब अभी भी है, पर इसका भी मम्मी ने कान मरोड़ दिया, पता नहीं कहाँ मारा है, पर बेचारी काम तो चला रही है, पर इसके कान के बिना ना थोड़ा मेरे को साइड मिरर्स के बिना ऐसा लगता है चलाना जैसे मेरी एक आँख ही कहीं चली गई हो, तो डिफ़िकल्टी हो रही है इसे भी कराते हैं ठीक। वैसे ये है होंडा ब्रियो, बेहद पसंद है मुझे ये कार, और इसको भी ऐसा बनाने का मूड है मेरा, क्योंकि मेरी माँ जो है वो मेरे से बिल्कुल उल्टी तरह से सोचती है, और सही तरह से भी शायद, क्योंकि वो कार और इन चीज़ों पे पैसे खर्च करती नहीं है, तो बोलती है मेरे को ये कार चेंज नहीं करनी है, होंडा ब्रियो मुझे पसंद है। और मुझे भी पर्सनली ये बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, छोटी सी क्यूट सी, ये ब्लैक कलर में है, और इसको भी मैं सोच रहा हूँ कुछ बनाया जाए इसमें, मतलब जब मम्मी चेंज कर ही नहीं रही है और इंजन वाइज ये गाड़ी परफेक्ट है, तो इसको भी कुछ पूरा रीपेंट करा के कुछ करके कुछ इंटीरियर करा के एकदम चक बना दिया जाए, है मेरे ऐसे प्लान्स, थोड़े टाइम में ये भी करते हैं। रीलो का गजब ट्रेंड है भाई, ओम पाजूस। ओ भाई कभी इस घर यही हो जा रहा है। अब बारी है मेरे बच्चों की, इनको लेके चलते हैं और पापा को, और गाड़ी में बिठाते हैं और मम्मी ले जाएगी कार, मैं साथ में बाइक पे जाऊंगा, बाइक भी ले जाएंगे। ऑल सेट जाने के लिए, पापा जा रहे हैं, मम्मी जा रही है नए घर में, तो अब ये घर तो रहा नहीं, अब तो मकान हो गया है, और सिर्फ बची है ये जाने के लिए मेरी जान, इसको लेके चलते हैं, वार्म करता हूँ,
स्टॉक वाले मिरर्स वापस आ चुके हैं, इसको गर्म करते हैं फिर लेके चलते हैं इसको। और GoPro पता नहीं कहाँ पड़ा है तो मोटो व्लॉग नहीं हो पाएगा, पर चलते हैं। चलें, हाँ 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 हाँ, क्या बात है, सेक्सी एज ऑलवेज। ऑल सेट, चले। मैं निकल गया था बाइक पर अभी फिर मुझे याद आया मम्मी भी तो आ ही रही है कार पे पापा के साथ, तो साथ साथ ही चलूँगा उनके, बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ रुक के वेट कर रहा हूँ। तो ये रहेगी हमारी बाइक की प्राइवेट जगह, यहाँ खड़ी रहेगी बिल्कुल सेफ एक कमरे में। बाकी मम्मी पापा आने वाले होंगे, फटाफट से उन्हें रिसीव करता हूँ। सब काम हो गया, भूत बन गया, बस कवर लाना भूल गया तो बाइक पे चद्दर डालता हूँ, बाइक ठंडी भी हो गई होगी, हालत देख रहे हो। ऑल सेट। मेरे पिताजी आ गए, मेरी माँ आ गई, बच्चे गए बच्चे भी आ गए, दूसरी भी इधर ही इधर हो गई, कुल मिला के घर बन गया अभी है। और अब इसका पूरा प्रॉपर होम टूर, फ्लैट टूर जो भी है वो नए घर का दे दूंगा मैं, जब थोड़ा सा सेट हो जाएगा अच्छे से। बाकी बाइक नीचे लगा दी, बाइक भी आ गई, बाइक को भी टाटा बाय बाय कर देंगे हम कुछ टाइम में। उसका भी सही रीज़न कि क्यों बेच रहे हैं, क्या एग्जैक्टली प्लान्स हैं, वो तो अभी बात करेंगे जब उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो डलेगा, लास्ट राइड ऑफ माई Z1000 डलेगा। एक मिनट आ रहा हूँ, आवाज़ें लग रही हैं अभी भी, काम बहुत बचा है, नहाना है, नहा के सोऊंगा, टाइम ऑलरेडी 10:30 हो चुके हैं, लॉन्ग डे अहेड। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, जय जगन्नाथ, सी। दोनों माँ बेटे हम सारा काम घूम करके बाहर से खाना मंगा के अब बैठे खाना खाने, बालकनी के मजे लेते हुए। ये तो फन है वैसे फ्लैट का।